ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आ गया डायमीटर, डायमीटर ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, समझना इसको क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है डायमीटर ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, और ये जो डेफिनेशन होगा बेसिकली सबके लिए वैलिड है ये। ठीक है, सारे डायमीटर जो भी कोनिक होगा सबके लिए वैलिड हो जाएगा ये, चाहे फिर ये सर्कल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो पहले तो इसको लिखते हैं, कैसे लिख दिया, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स विथ स्लोप, ऐसे बोल दिया, स्लोप क्या बोल दिया, एम बोल दिया, ऑफ अ पैराबोला इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, ठीक है, समझाएंगे क्या बोल रहे हैं। तो क्या बोल दिया, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स विथ स्लोप एम, स्लोप एम बोला है, इसका मतलब एम गिवन है, राइट, ऑफ अ पैराबोला इज कॉल्ड डायमीटर। तो देखो कैसे बात कर रहे हैं इसमें, पहले बात तो मैंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड पैराबोला बना दिया। सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स का मतलब क्या है, बहुत सारी पैरेलल कॉर्ड्स दिख रही है। ठीक है, तो बहुत सारी पैरेलल कॉर्ड्स दिख रही है, तो ऐसे बना दिया, एक कॉर्ड ये हो गया, एक कॉर्ड ये हो गया, एक कॉर्ड इस तरह से हो गया, एक कॉर्ड ऐसे हो गया, एक कॉर्ड ऐसे हो गया, और मैंने क्या बोल दिया, सबका स्लोप यहाँ पर कितना है, गिवन है यहाँ पर एम। आ रहा समझ में क्या बोल दिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि सारे पैरेलल कॉर्ड्स का अगर तुम मिड पॉइंट बनाओ, जैसे यहाँ पर एक मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसका मिड पॉइंट ले लिया, 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 तो अगर तुम इसको ज्वाइन करोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर। ठीक है, मतलब अगर मैंने इसको इस तरह से इसे ज्वाइन किया तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द डायमीटर, जो यहाँ पर मैं ऑरेंज लाइन से बना रहा हूँ। ठीक है, फिर से पढ़ लिया, क्या देखो क्या बोल रहा है कि दिस इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड विद स्लोप एम ऑफ अ पैराबोला इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, मिड पॉइंट है मतलब ये इसको ही बाइसेक करेगा, ठीक है, ये इसको बाइसेक करेगा, इस तरह से ये बाइसेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पर ए ले लिया, इसको क्या बोल दिया, ए टी स्क्वायर ए वन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर सॉरी ए वन नहीं, टी वन ले लिया, ये हो जाएगा टू ए टी वन ले लिया। वैसे यहाँ पर एक बी ले लिया इधर, ठीक है, ए वाला मैंने अगर ये लिया तो बी यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी ए टी टू स्क्वायर कॉमा यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू ए टी टू हो गया। ये चीज़ समझ में आता है क्या किया। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी का स्लोप यहाँ पर क्या है, गिवन है, एम होता है, और हमने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ अ कॉर्ड कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं, टू अपॉन टी वन प्लस टी टू, ये सब निकाल चुके हैं ऑलरेडी हम लोग पहले ही। ठीक है, याद रहना चाहिए सब। ठीक है, और ये एम तो क्या, ये गिवन है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, एम इज इक्वल्स टू टू अपॉन टी वन प्लस टी टू। फिर मैंने क्या बोला, चलो किसी भी पॉइंट को तुम क्या करो, इसका मुझे लोकस निकालना है, तो इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एम बोल दिया, एच कॉमा के ले लिया। तो यहाँ से एच कितना हो जाएगा, एच ऐसे निकालूंगा, एच इज इक्वल्स टू ए टी वन स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए टी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू टू ए टी वन प्लस यहाँ से हो जाएगा टू ए टी टू बाई टू हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पर क्या किया, इस के का यूज किया, के यहाँ पर क्या आ रहा है, ऐसा जाएगा टू से टू कट जाएगा, यहाँ पर ऐसा जाएगा टी वन प्लस टी टू। तो T1 प्लस T2, देखो बेसिकली हम लोग करते क्या, वही करते हैं, पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे, H और K में कोई ना कोई रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से मुझे डायरेक्टली T1 प्लस T2 दिख रहा है। ठीक है, कैसे दिख रहा है, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू, ये कितना देगा, 2 बाय M हो गया। तो इसको तुमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से कितना आ गया, K इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2A बाय M आ गया। अब मुझे बताओ, भले इसमें एच नहीं है, क्या इसमें कोई पैरामीटर है, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, ए यहाँ पर कांस्टेंट है और स्लोप एम बोल चुके हैं, मतलब वो भी क्या है, कांस्टेंट ही है। इसका मतलब यही क्या हो गई, इस डायमीटर की इक्वेशन हो गई। इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पर लिख दिया, दिस इज वाई इज इक्वल टू टू ए बाई एम विल बी द डायमीटर ऑफ अ पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पर एम क्या नहीं होना चाहिए, एम यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। अरे समझ में क्या कर रहे हैं, वैसे इसी ये वाली बात है, देखो अगर एम यहाँ पर जीरो हो जाता है तो सीधी सी बात है कि ये जो कॉर्ड्स हो जाएंगे वो तो क्या हो जाएंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएंगे। ठीक है, तब तो यहाँ पर कोई बन ही नहीं पाएगा इसका मिड पॉइंट। समझ में क्या बोल दिया, मतलब अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि एम को अगर जीरो बोल दिया तो सब कॉर्ड ऐसे हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये तो कोई कॉर्ड होगा ही नहीं,
क्योंकि ये एक पॉइंट पे कट करेगा पर दूसरे पॉइंट पे तो कट करेगा ही नहीं, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर m क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2a/m क्या है मेरा, डायमीटर ऑफ अ पैराबोला है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले ये बोला था कि ये सबके लिए वैलिड है, ये वाला जो मैंने लिखा है यहाँ पर डेफिनेशन सबके लिए वैलिड है। जैसे मैं सर्कल के लिए बात कर लूँ, जैसे हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं, सर्कल के लिए पढ़ते हैं डायमीटर। तो जैसे सर्कल के लिए अगर मैं इस डेफिनेशन से बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, पैरेलल कॉर्ड्स बना दी इस तरह, बहुत सारी पैरेलल कॉर्ड्स बना दी, और फिर मैंने क्या बोला, इस पैरेलल कॉर्ड्स का तुम क्या करो, मिड पॉइंट बनाओ। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, इसका ये मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका ये मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। जब तुम इसको ज्वाइन करोगे तो बेसिकली ये बनेगा डायमीटर। आ रहा है समझ में? हाँ, ये क्या है, ये जो डायग्राम, ये जो सर्कल का, वो क्या है, सिमेट्रिकल है। इस वजह से क्या होता है कि डायमीटर जो होता है इसके सेंटर से पास कर जाता है। ठीक है, तुम क्या करो, सर्कल कैसे बना के देख लो, तुम कॉर्ड ऐसे बना लो, देखो इस तरह से ऐसे बना लो कॉर्ड। अब यहाँ पर क्या हो गया, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स मैंने चेंज कर दिया, मतलब इसका स्लोप चेंज हो जाएगा, तो इसको मैं डायमीटर कैसे बोलूंगा, इस तरह से यहाँ पर डायमीटर हो जाएगा, सबके मिड पॉइंट से पास करने वाला। इस केस में यहाँ पर क्या होगा, सेंटर से ये पास कर रहा है, मतलब बेसिकली डेफिनेशन तो यही है सारे कॉनिक्स के लिए। इसका मतलब ये है कि जब मैं एलिप्स और हाइपरबोला में पढ़ाऊंगा तब भी क्या होगा, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या बोल दिया? ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है दैट इज 2a/m, ये क्या है, ये फिलहाल तुम्हें दिख रही है क्या है, ये कांस्टेंट है, पर ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड किस पे कर रही है, एम पे डिपेंड कर रही है। अगर यहाँ पर पैरेलल कॉर्ड्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है, मतलब अगर उनका स्लोप चेंज हो जाएगा तो सीधी सी बात है डायमीटर भी क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, एम चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू समथिंग तो आ रहा है, वाई इज इक्वल टू समथिंग हमेशा लाइन क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही बनेगा। पर अगर एम यहाँ पर चेंज होता है तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड, मतलब ये जो लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ऊपर नीचे होती रहेगी। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या बोल दिया। ठीक है, ओके, तो इस पे क्या करते हैं, थोड़ा नोट लिख लेते हैं। इस पे ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, पर फिर भी ऐसे कभी स्टेटमेंट की फॉर्म में आ गया, कभी आ गया, और लेट से कभी क्वेश्चन बन भी गया, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हमने क्या लिखा, नोट लिख लेते हैं। चलो ऐसे लिख लिया, नोट वन लिख दिया। क्या किया अभी हम लोग ने, इसको इस तरह से बनाया था ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ बनाया, ये बनाया, ठीक है, ये बनाया, फिर यहाँ से इनके मिड पॉइंट से पास करने वाला, ठीक है, ऐसे कुछ बनाया था इधर से, ठीक है, क्या था इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2a/m बना था। ठीक है, इन सब का स्लोप यहाँ पर क्या गिवन है, m गिवन है, ये सारे जो कॉर्ड्स हैं इसका स्लोप कितना है, m है। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो p है, मतलब डायमीटर और पैराबोला का जहाँ पर ये जो मीट कर रहा है, ये वाला p वाला जो पॉइंट है वो निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, मुझे पता है कि पैराबोला की इक्वेशन किसी है 4ax है, यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तुम्हें पता है कि p का y कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या होगा, यही होगा 2a/m होगा, बस तुम्हें क्या करना है, x निकालना है, तो तुम x निकाल सकते हो। कैसे निकाला, इसको उठा के यहाँ रख दो, ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, s हो जाएगा, 2a/m हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4ax हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4a²/m² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4ax हो गया। यहाँ से x कितना आ रहा है देख लो, ये हो जाएगा a/m² आ गया, सही है। तो यहाँ से मुझे P के कोऑर्डिनेट्स कितने मिल गए, इसको उठा के यहाँ रख दिया, a/m², ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गए, P के कोऑर्डिनेट्स हो गए, दैट इज a/m² कॉमा 2a/m, अगर स्लोप, ये जो सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स है इसका स्लोप कितना है, m है। सीधी सी बात, अगर m चेंज होगा तो ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो भी क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, अच्छा मुझे बताओ, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देख के कहीं कुछ याद आ रहा है क्या, कहीं देखा है ऐसा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट a/m² 2a/m? ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा तो याद आ जाएगा। कैसे याद आ जाएगा, मैंने क्या बोला, P वाले पॉइंट पे तुम क्या करो, टेंजेंट बना लो। ठीक है, P वाले पॉइंट पे तुम यहाँ पर टेंजेंट बना लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a/m² कितना हो जाएगा, 2a/m हो गया। कैसे बना देंगे इसके लिए, बस सिंपली ये कितना, ये x1 लिखा है, ये y1 लिखा है, तो मैंने क्या किया, t=0 कर दिया। ठीक है, t=0 करूँगा तो ये कितना देगा, y1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2ax+x1। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर क्या करो, तुम ये वाला पॉइंट उठा के रख दो, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 2a/m हो गया, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2ax+a/m² आ गया, सही है। तो तुम देख सकते हैं यहाँ से 2a कट गया, ठीक है, 2a कट गया, m को ऊपर ले जाओ तो यहाँ से आ जाएगा m, ये हो जाएगा x+a/m² आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू mx+, ये हो जाएगा a/m,
क्या ये इक्वेशन कहीं देखी हुई लग रही है? ये इक्वेशन वही है जो इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्लोप, ओके। और इनफैक्ट जब मैं इन टर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलता हूँ टेंजेंट का, तो यही तो आता है देखो जिसको मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ। तो क्या बोल सकते हैं इससे, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि पहले बात तो मैंने क्या किया, सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स बनाया, ठीक है, उसका जो डायमीटर बनाऊंगा, ठीक है, और जो डायमीटर जाके पैराबोलो को जहाँ पर ये कट करेगा उस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो उसका जो स्लोप होगा, देखो इसका स्लोप कितना है, यहाँ पर देखो टेंजेंट का स्लोप कितना है, एम ही तो आया, इसका मतलब इस लाइन का भी स्लोप कितना है, एम ही तो है। किस लाइन का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, एम ही तो है यहाँ पर। तो इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया कि जहाँ पर डायमीटर कट कर रहा है पैराबोला को उस पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट बनाते हो तो वो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो सिस्टम ऑफ पैरेलल ऑफ कॉर्ड्स के ही क्या होगा, सेम होगा। आई होप समझ में आया यहाँ पर क्या बोला, ठीक है। तो इसको क्या किया, चलो लिख लिया अच्छे से, ठीक है। तो क्या बोल दिया इसको, ऐसे लिख लिया, फर्स्ट नोट क्या था, द टेंजेंट एट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ पैराबोला, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब जहां पर ये पैराबोला को कट कर रहा है, ठीक है, इस पैरलर, ठीक है, स्लोप सेम हो गया, इसका मतलब पैरलर बोल सकते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोला था मैंने कि यहाँ पर इस जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है डायमीटर पैराबोला पे, अगर उस पर तुम टेंजेंट बनाते हो तो उसका भी स्लोप क्या होगा, वही होगा जो सिस्टम ऑफ पैरलर कॉर्ड्स का है। तो इसलिए दोनों क्या हो गए, पैरलर ही हो गए, इस पैरलर टू सिस्टम ऑफ पैरलर कॉर्ड्स, पैरलर कॉर्ड्स विथ स्लोप एम। आई होप समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पर इस P वाले पॉइंट पे अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर टेंजेंट, तो इसका भी स्लोप यहाँ पर कितना आ जाएगा, M आ जाएगा, और इन सब का भी स्लोप यहाँ पर कितना है, M ही है, ठीक है, इन सब रिकॉर्ड्स का स्लोप कितना है, M ही है। आई होप समझ में आ गया क्या किए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए नोट वन, ठीक है। एक और नोट लिख लेते हैं, चलो दूसरा नोट यहाँ पर क्या लिखा देखो, चलो पहले तो मैंने चलो इसको लिख लिया फिर समझाते हैं। द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड, ठीक है, कोई भी कॉर्ड, द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला, ऑब्वियसली ऑफ अ पैराबोला मीट ऑन डायमीटर विच बाइसेक्स द कॉर्ड, ठीक है, वो बाइसेक्स तो करता ही है, विच बाइसेक्स द कॉर्ड। देखो समझो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोल दिया कि यहाँ पर समझो एक ऐसे बनाया मैंने पैराबोला, कोई भी कॉर्ड बना लो, ठीक है, इस तरह से अगर मैंने कॉर्ड बना दिया इधर, ओके, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इस कॉर्ड पे अगर तुम टेंजेंट बनाते हो उसके एंड पॉइंट्स पे, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर कहीं होगा एक, तो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, और एक कैसे बन जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से बन जाएगा। आई अब तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला मीट द डायमीटर व्हिच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब यहाँ पर एक डायमीटर इस तरह से जाएगा जो क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। अब यहाँ पर तुम्हें देख नहीं रहा क्लियरली बाइसेक्ट करते हुए, पर वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बोलेगा कि वहीं पे मीट कर रहा है, ये वो क्लेम कर रहा है, ठीक है। मैंने मान लिया कि चलो इसका स्लोप कितना है, m है, तो इसकी इक्वेशन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2a/m आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट होगा डायमीटर का, मतलब डायमीटर का, और ये जो टेंजेंट का होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये 2a/m। अगर ये चीज मैं प्रूफ कर देता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, सही है, समझ में क्या बोल दिया, ठीक है। अगर मैंने ये चीज प्रूफ कर लिया कि यहाँ पर कोई कॉर्ड से अगर मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, टेंजेंट यहाँ पर मीट कर रहा है, ठीक है, और अगर उसका वाई कोऑर्डिनेट 2a/m आ जाए, इसका मतलब ये बात तो फैक्ट हो गई कि वो डायमीटर को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। और डायमीटर क्या है, ये यही कॉर्ड सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स का क्या है, मिड पॉइंट, ये, ठीक है। तो मुझे बताओ, जैसे अगर ए वाले पॉइंट को मैं इस तरह से लेता हूँ, क्या ले लिया, at1^2at1, बी को मैंने क्या ले लिया, at2^2at2। तो मुझे पता है पी वाले पॉइंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, at1t2, कॉमा ये कितना हो जाता है, 2at1t2 हो गया, मतलब सॉरी क्या बोल दिया, at1+t2 हो गया, 2 तो कट जाएगा, राइट,
ओके तो मुझे बताओ एक चीज हमने देखा था यहाँ पर कि अगर ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं किसको बोल दिया ए और बी, ए इसको बोल दिया और बी इसको बोल दिया, ठीक है, ये वाले पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, बी बोल दिया, राइट। तो मुझे बताओ अगर मैं स्लोप ऑफ ए बी बोलता हूँ, स्लोप ऑफ ए बी तो यहाँ पर क्या गिवन है, कितना एम के बराबर, और कैसे लिखा था ये, टू अपॉन ऐसे लिखा था T1 + T2। तो यहाँ पर से मैं क्या कर सकता हूँ, T1 + T2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ, ठीक है। तो T1 + T2 की वैल्यू यहाँ पर कितना है, T1 + T2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/m हो जाएगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स देखो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ए T1 T2 कॉमा ये कितना हो जाएगा, 2a/m हो गया। x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो जाए, y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2a/m आ गया। इसका मतलब ये चीज प्रूफ हो गया कि अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ किसी भी कॉर्ड पे तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो डायमीटर को ही क्या करेगा, मीट करेगा, जो बेसिकली कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। आई होप तुम्हें समझ में आया पर क्या किया, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट है दैट लाइज ऑन डायमीटर, ठीक है। तो ये हो गया डायमीटर के लिए, ओके ठीक है। अब आगे चलते हैं, और आगे ये है बस, ये अपना लास्ट पार्ट है।